हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टी चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिखी है। तो चेस्ट है हमारी 30 इंच, लंबाई है ब्लाउज की 12.5 इंच, गला है हमारा फ्रंट साइड का 5.5 इंच, बैक साइड का 7 इंच, शोल्डर है हमारा 10 इंच, बाजू की लंबाई है हमारी 4.5 इंच और बॉटम है इसका 10 इंच, उसका हाफ लिया हमने 5 इंच। तब देखिए यहाँ पर हमें इसकी पहले लंबाई नापनी है। तो लंबाई हमारी 12.5 इंच, हम 13.5 इंच लेते हैं। 13.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी 13.5 इंच और यहाँ पे भी 13.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा चेस्ट का नाप है 30 इंच। तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच पे चेस्ट का नाप आता है। ये देखिए 7.5 इंच पे हमें चेस्ट का नाप आता है। इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है, 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच लिया, तो इस साइड में भी हमें 9 इंच रखना है। और यहाँ पे हम इस तरह से एक सीधी लाइन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लंबाई ली, लंबाई में हमने 1 इंच प्लस किया। यहाँ पे हमने चौड़ाई ली, यहाँ पे हमारा चेस्ट का चेस्ट जो है 30 इंच, उसका 1/4 निकलता है हमें 7.5 इंच, इसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें गले का नाप लेना है 30 इंच के लिए, 2.25 इंच। उसके बाद यहाँ पे हमें शोल्डर है हमारा 10 इंच, उसका हाफ लेना है हमें 5 इंच। यहाँ पे भी हमें 5.5 इंच रखना है। ये देखिए यहाँ पे भी हमें 5.5 इंच पे मार्किंग करनी है। फ्रंट साइड का नेक है हमारा 5.5 इंच, यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले लंबाई ली, लंबाई में 1 इंच प्लस किया। यहाँ पे हमने चौड़ाई ली, चौड़ाई में चेस्ट का 1/4 लिया, चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा। अभी फ्रंट साइड का नेक हमारा 5.5 इंच है, तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पर मार्किंग किया है। टी चेस्ट के लिए आर्मोल हमें 5.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे हमें गले के लिए राउंड शेप बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने गला जो है इस तरह से लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें गोलाई जो है, अभी बैक साइड की गोलाई हम 1.5 इंच पे देते हैं। अभी बैक साइड की गोलाई जो है 1.5 इंच पे देने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से ये गोलाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये बैक साइड की गोलाई हुई। अभी यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए पहले हमने ये बैक साइड जो है बैक साइड कट करनी है। अभी यहां पे हमें ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे गला 7 इंच था, हमने 5.5 इंच लिया है। जब भी आप कटिंग करना चाहते हैं तो इसका बड़ा गला जो है वो बड़ा ले सकते हैं। तो जैसे फ्रंट और बैक साइड का गला पहले सेम रखेंगे तो भी चलता है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे हमारी कटिंग में जब भी हम इसकी कटिंग करते हैं पूरे, उसके बाद आपको गला जो है वो बढ़ाना है। तो फ्रंट और बैक साइड का जितना गला होता है उतना सेम कटिंग करेंगे, और सिलाई के वक्त आपको एक्स्ट्रा लेना है तो आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये बैक साइड कट की है, अभी फ्रंट साइड कट करनी है। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से रख के इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा
फ्रंट साइड का मार्किंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये फ्रंट साइड का मार्किंग किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, शोल्डर का हमें सेंटर निकालना है। शोल्डर का हमें सेंटर निकालते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने जो सेंटर लिया है, सेंटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। सेंटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ हमारा सेंटर आता है, सेंटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 4.5 इंच हम ऊपर के साइड में ले लेते हैं। अभी 4.5 इंच ऊपर के साइड में लेने के बाद, अभी छोटा नाप है इसलिए हम 1 इंच इस साइड में लेंगे और 1 इंच इस साइड में लेते हैं और इसे इस तरह से इसमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे भी हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये दोनों साइड में हमने 1-1 इंच लेके ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 5.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इस तरह से इसे ये लेना है। अभी यहाँ हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया था जो बैक साइड की गोलाई थी। अभी यहाँ पे हमें 1-1 इंच पे मार्किंग करनी है जो हमारी फ्रंट साइड की गोलाई आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से इसे राउंड शेप देना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी ये फ्रंट साइड की गोलाई आई। फ्रंट साइड की गोलाई आने के बाद यहाँ पे हमने 4.5 इंच तक हमने सीधा लिया था, तो इसे हमें इस तरह से इसमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले फ्रंट साइड की जो गोलाई है उसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए, जो हमने 4.5 इंच बीच में से लिया था, तो इसके साइड पे 1-1 इंच लिया था, उसको कट करना है। और यहाँ पे ये भी हमें इस तरह से कट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट के दोनों पार्ट निकाले हैं। अभी हमें ये दोनों पार्ट जो है इसे हमें बढ़ाना पड़ता है। जैसे हमें इस तरह से रख के बीच में से यहाँ तक हमने 4.5 इंच लिया था, इस साइड में 1 इंच और इस साइड में 1 इंच लिया था, लेकिन उसके अपोजिट साइड से हमें 1-1 इंच बढ़ाना है। जैसे इस साइड में 1 इंच बढ़ाते हैं और इस साइड में 1 इंच बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से लेना है, 1 इंच पर हमें एक मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है। जैसे यहाँ पे हम नहीं बढ़ाते, यहाँ पे नीचे के साइड में ही 1 इंच जो है वो बढ़ाना है और ये जैसा है वैसे हम मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए इसे इस तरह से रखना है और ये जैसा है इस तरह से मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने ये मार्किंग किया है। अभी यहाँ पे भी हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसको कट किया है। अब देखिए दूसरा जो पार्ट है, अभी एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको हम कट करेंगे। अभी दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से बढ़ाना है जैसे इस साइड में हमने बढ़ाया था, तो अब इस साइड में बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक इंच का मार्किंग करना है, एक इंच का मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको क्रॉस में रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये क्रॉस में रखा है और इसे इस तरह से लेना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग करके, जो मार्किंग हमने किया है उसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जो दूसरा पार्ट था दूसरे पार्ट को भी बढ़ाया है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये बैक साइड निकाली है, इस तरह से हमारी ये फ्रंट साइड आती है। अब भी स्लीव जो है, जैसे स्लीव्स का कैसे हैं, यहाँ पे हमें आर्मोल जो है क्रॉस में नापना है। जितना हमारा आर्मोल आता है क्रॉस में, आर्मोल नापने के बाद जितना हमारा आर्मोल आता है उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है। आधा इंच प्लस करने के बाद जितनी निकलती है वो हमारे बाजू की चौड़ाई निकलती है, वो बाजू की चौड़ाई निकलती है। तो लंबाई हमारी 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच प्लस 1.5 इंच आपको इसमें लेना है, 6 इंच आपको स्लीव्स की लंबाई लेनी है। और यहाँ पे हमारी चौड़ाई जो है, चौड़ाई देखते हैं कितनी आती है। आर्मोल को हम क्रॉस में नापेंगे, 7.5 इंच आती है, तो यहाँ पे हमें 7.25 इंच रखनी है। तो इस तरीके से आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मैंने आपको कटिंग करके दिखाई है, ये फ्रंट साइड और बैक साइड मैंने आपको कट करके दिखाई है। तो 28 चेस्ट का, ये 28 चेस्ट का है। तो इस तरह से आप 28 चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है वो कट कर सकते हैं। लंबाई आपकी थोड़ी कम ज़्यादा होगी तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका जो है वो इसी तरह से कट करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से 28 चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है वो कट करके आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।